اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره بقره کی ایک آية پڑھ رہا ہوں ایت نمبر 213 كان الناس أمة واحده لوگ ایک ایک هي امت تھے فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين फिर जब उन्होंने अख्तिलाफ़ किया आपस में लड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बना कर विल और उनके साथ किताब उतारी हक़ के साथ ताकि वह फैसला कर दे लोगों के दरमियान उन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं तो मा जानात बातना तो ब़म बहुम और ये अख्तिलाफ़ात उन्हों लोगों ने किए उन्हें लोगों ने किए जिनको हक दिया गया था बात इसके कि उनके पास खुली खुली हिदायत आ चुकी थी सिर्फ आपस की जिद की वजह से फहदीनाफूफी मिनलि बस اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی जिसमें वो झगड़ रहे थे वल्लाहु मुस्तकीम और अल्लाह जिसको चाहता है सीधी राह दिखा दिखा देता है थोड़ी सी तशरीह इसकी सुन लीजिए इख्तिलाफ हमेशा राह हक के इनहिराफ की वजह से होता है और इस इंहराफ का मंबा और असल वजह बगज इनाद बनता है उम्मत मुसलम में भी जब तक ये इहराफ नहीं आया ये उम्मत अपनी असल पर कायम कायम रही और अख्तलाफात की शिद्दत से महफूज रही लेकिन अंधी तकलीद और बिदात ने हक़ से ग्रेज़ का जो रास्ता खोला उससे इख्लाफा का दायरा फैलता और बढ़ता ही चला गया ताकि इतिहाद उम्मत एक नामुमकिन चीज़ बन कर रह गया इस वक्त में पूरी उम्मत को जोड़ना यह हाईली एम्पोसिबल हो गया हाईली एम्पोसिबल बिल्कुल नामुमकिन कबूरी उम्मत को जोड़ दो अब नहीं हो सकता दीन में इतलाफात ताबिर तशरी के अख्तलाफ से शुरू होता है हर एक अपने जहनी सांचे के मुताबिक अल्लाह के दिन का एक तसुर कायम कर लेता है एक ही किताब को एक ही किताब हिदायत को मानते हुए भी लोगों की राय अलग अलग हो जाती हैं उस वक्त अल्लाह अपने चुने हुए बंदू के ज़रिए अमर हक़ का ऐलान कराता है ये आवाज़ अगरचे इंसान की ज़ुबान में होती है और बज़ाहिर आम आदमी जैसे एक आदमी के जरिए बलन की जाती है ताहम जो सच्चे मुतलाशी हक हैं वो इसके अंदर शामिल खुदाई गूंज को पहचान लेते हैं और अपने इख्तलाफ को भूल कर फ़ौर उसकी आवाज़ पर लब्बे कहते हैं दूसरी तरफ वो तबका है जो अपने खुद साख्ता दीन के साथ अपने को इतना ज़्यादा वाबस्ता कर चुका होता है के उसके अंदर ये जज्बा उभर आता है कि मैं दूसरे की बात क्यों मानूं मैं दूसरे की बात क्यों मानूं मैं दूसरे की बात क्यों मानूं मैं हक पर हूं हर तबके वाला समझता है मैं हक पर हूं इनके अंदर जिद की नफसानियत पैदा हो जाती है यहाँ तक कि वो इसी चीज़ का इनकार कर देता है जिसका वो अपने ख्याल के मुताबिक आलमबरदार बना हुआ था हक रोशन दलाइल के साथ आ जाए और उसके बावजूद आदमी उसका साथ न दे तो उसकी वजह हमेशा ये होती है क्या आदमी को नजर आता है कि उसका साथ देने में उसकी खुशगुमानियों का महल टूट जाएगा उसके मफादात का निज़ाम टूट जाएगा उसकी आसुदा जिंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी उसका वक़ार बाकी नहीं रहेगा मगर यही वो चीज़ है जो अल्लाह को अपने वफादार बंदों से मतलूब है जिस रास्ते की दुशारियाँ जिस रास्ते की दुश्वारियों से घबरा कर आदमी उस पर आना नहीं चाहता वही वो रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला है जन्नत के वाहिद कीमत आदमी का अपना वजूद है आदमी अपने वजूद को फिक्र और अमल के जिन नक्शों के हवाले किए हुए वहाँ से उखाड़ कर जब वो उसको खुदा के नक्शे में लाना चाहता है तो उसकी पूरी शख्सियत हिल जाती है अल्लाह ताला हम सब की शुरू से हिफाजत फरमाए अब उम्मत को मुश्तम करना बहुत मुश्किल हो गया कितने तबकों में उम्मत बढ़ गई अल्लाह ताला हम सब को उम्मत बना दे आमीन वाखरदानादुल्ल रबीआलम